कश्मीर और आतंकवाद को लेकर पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है। इस बीच पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को सार्क सम्मेलन के लिए न्योता भेजा है। 19वां दक्षेस शिखर सम्मेलन 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्क सदस्य देशों के नेताओं को इस सम्मेलन में आने की दावत भेजी है और वह उनका इस्लामाबाद में स्वागत करने को उत्सुक हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से संबंधों में चल रहे तनाव को देखते हुए शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। वैसे जहां एक तरफ पाकिस्तान मोदी को न्योता दे रहा है, तो वहीं पाक में बैठा आतंकी हाफिज सईद भारत को धमकी दे रहा है। पीएम मोदी के बलूचिस्तान वाले बयान से बौखलाए हाफिज ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोग खामोश हैं, नोटिस लेना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वे चुप हैं। यह क्या तरीका है? तुम्हारे दुश्मन आज बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान की बातें कर रहे हैं। हाफिज ने कहा, ऐसा बयान देकर भारत ने पहल की है तो गाजी खान सोलंगी, जो मुत्ताहिदा महाज सिंध के चेयरमैन, अगर यह कहता है कि मुझे मुंबई और सिंध का इलाका जो इंडिया के कब्जे में है उसे आज़ाद करवाना है, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने यह बात करें, आंदोलन करें। आपके सामने पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, एक तरफ दोस्ती का दिखावा तो दूसरी तरफ जंग का ऐलान। जहां पाकिस्तानी सरकार भारत को सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्योता भेज रही है, तो वहीं पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद मुंबई को भारत से अलग करने के लिए जंग छेड़ने की बात कर रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।